हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है रिकू भाई यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे चीज़ के बारे में जिसको मोस्टली इंटरनेट यूज़र्स पर डे यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो वो अभी तक नहीं जानते हैं, और उस चीज़ का नाम है गूगल क्रोम। आज अगर देखा जाए तो गूगल क्रोम वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट ब्राउज़र है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ब्राउज़र पे लोग वेबसाइट अगर ओपन करते हैं तो उस ब्राउज़र का नाम है गूगल क्रोम। और आज मैं आपको गूगल क्रोम के ही कुछ ऐसी खूबियां बताने वाला हूं जो जानने के बाद आपका गूगल क्रोम पे काम करना और आसान हो जाएगा और आप बहुत सारी परेशानियों से भी आपको निजात मिल जाएगा। तो आज मैं आपको गूगल क्रोम से ही रिलेटेड 10 टिप्स बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला टिप्स जानेंगे। पहला टिप्स है कि जैसे अगर कोई भी टैब, जैसे यहाँ मैंने 4 टैब खोल के रखा हुआ है, अगर कोई टैब गलती से बंद हो जाए तो उसे हम कैसे फिर से खोल सकते हैं। जैसे बहुत सारा टैब ऐसा होता है कि हमसे गलती से हम लोगों से बंद हो जाता है। मान लिया जाए कि ये एक टैब है जो हमने खोला और ये गलती से बंद हो गया हमसे। अब जब बंद हो गया तब हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो इस पे तो अभी और काम करना था, गलती से बंद हो गया। तो इसको रिकवर करने का, क्योंकि हो सकता है आप उस वेबसाइट में किसी पेज तक आप गए होंगे, किसी पेज को आप वॉच कर रहे होंगे, तो फिर से वो वेबसाइट खोलना, वहाँ तक फिर से पहुँचना जहाँ पे आप थे, तो उससे ये मेरा टिप्स आपको निजात मिलेगा। इसके लिए सबसे शॉर्टकट की इसका जो है वो है Ctrl+Shift+T, और या फिर आप जो टैब खुला हुआ है उस पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और आप ऑप्शन एक मिलेगा आपको, राइट क्लिक कीजिए और एक ऑप्शन मिलेगा रीओपन क्लोज टैब। तो इससे आपका जो भी टैब पहले बंद हुआ था, अभी जैसे मेरा YouTube खुल गया था तो YouTube मेरा फिर से वो खोल दिया। मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैं ये वेबसाइट जैसे मैंने खोला और ये वेबसाइट मुझसे बंद हो गया, तो आइए और राइट क्लिक करके और रीओपन क्लोज टैब पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा पिछला वेबसाइट खुल जाएगा। तो यही था हमारा पहला टिप्स। दूसरा है कि हम लोग बहुत बार क्या होता है कि मेल डाउनलोड करते हैं या फिर कोई पिक्चर डाउनलोड करते हैं और या कोई MP3 डाउनलोड करते हैं या कोई फाइल डाउनलोड करते हैं और भूल जाते हैं कि कहाँ डाउनलोड हुआ। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+J बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा डाउनलोड वाला फोल्डर खुल जाएगा, और आप चाहें तो इसमें सो इन फोल्डर पे आप उस फोल्डर में डायरेक्ट जा सकते हैं जहाँ पे आपका वो फाइल है, या फिर आप डायरेक्ट उस फाइल को यहाँ पे क्लिक करके ब्लू वाले पार्ट पे क्लिक करके आप डायरेक्ट खोल सकते हैं। थर्ड हमारा टिप्स है कि जैसे हमारा यहाँ पे जितना भी टैब खुला हुआ है और
मैं कहीं बाहर जा रहा हूं अभी और फिर मुझे आने के बाद एक घंटा या दो घंटे बाद आने के बाद मुझे फिर ये सारे टैब्स सारे वेबसाइट पे फिर से काम है। ये अधिकतर वैसे लोगों के साथ ऐसा होता है प्रॉब्लम, जो कोई सी चीज़ पे प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो वो अलग अलग वेबसाइट से कंटेंट या पिक्चर्स लेते हैं। तो अब सारे वेबसाइट्स को फिर से खोलिए, फिर से आप वहाँ तक पहुँचिए जहाँ तक आप पहले थे। तो उससे अच्छा है ऑप्शन कि यहाँ 3 डॉट्स हैं, इस पर आप क्लिक कीजिए, सेटिंग्स पर जाइए। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, सॉरी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी नहीं, एक सेकेंड मैं पहले खोज लेता हूँ। ये ऑप्शन आएगा आपको इस पर पीपल्स पे ही, इसमें आप जाइए। इसमें जाने के बाद देखिए सेकंड ऑप्शन है कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ, इस पे जब आप क्लिक कर देंगे और फिर आप अपना शटडाउन कर दीजिए अपने कंप्यूटर को और आप जहाँ जाना है जाइए। और जब आप आएंगे और खोलेंगे तो आप जब अपना क्रोम जब खोलेंगे तो ये सारे एज इट इज़ फिर से खुल जाएंगे और हर पेज वहीं का वहीं खुलेगा जहाँ पे आपने इसे बंद किया था। तो इससे आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि आपको फिर से वो सारे वेबसाइट्स खोलने नहीं पड़ेंगे और फिर से आपका उतना समय भी बर्बाद नहीं होगा और प्लस याद भी नहीं रखने की ज़रूरत है कि कौन सा वेबसाइट आपने खोला हुआ था। अब हम लोग चौथे टिप्स को जानेंगे। चौथा टिप्स है हमारा पिन टैब। पिन टैब वो टिप्स है जो कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जिसको हम लोग पर डे यूज़ करते हैं, जिसे हमें पर डे खोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो पर डे ब्राउज़र में जाओ, वेबसाइट ओपन करो। उससे अच्छा है कि हम लोग जिस भी वेबसाइट को हमें पिन टैब करना है उसके उस वेबसाइट को खोल लिया। जैसे मैंने जैसे फॉर एग्जांपल blogger.com को खोला और इस पे गया, इसके टैब के ऊपर राइट क्लिक किया और पिन टैब का एक ऑप्शन आता है उस पे क्लिक कर दिया तो पिन टैब यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा हो गया। ये जब भी मैं क्रोम खोलूँगा तो ये मेरा पिन टैब ऑटोमेटिक ये वेबसाइट को खोल के रखेगा। बट इसमें यही है कि ये बंद नहीं हो सकता है। आप अनदर वेबसाइट खोल सकते हैं लेकिन ये बंद इसको नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसको भी हटाना है तो फिर इसी पे जाके इसके टैब पे राइट क्लिक कीजिए और फिर अनपिन टैब कर दीजिए तो ये बंद हो जाएगा, मतलब ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने पाँचवें टिप्स पे। पाँचवें टिप्स में ये है कि जैसे मेरा कुछ ये भी प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड है, जो लोग प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे बहुत सारा टैब खुला हुआ है, अब इसमें से कोई 2 या 3 टैब को उठा के मुझे दूसरे विंडो में इसको खोलना है तो इसमें क्या करना है, सिंपल कंट्रोल बटन को प्रेस कर लेना है और क्लिक कर देना है। जैसे blogger.com पे क्लिक कर दिया मैंने, इस पर क्लिक कर दिया और जो सबसे लास्ट वेबसाइट है उस पर क्लिक करते हुए और जैसे इस पर क्या करना है कि जैसे इस पर क्लिक किया और सबसे लास्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करके और इसको छोड़ देंगे तो वही दोनों टैब हमारे नए विंडो में खुल जाएंगे। तो ये था हमारा पांचवा टिप्स। अब आते हैं हम लोग छठे टिप्स पे। छठा टिप्स है हमारा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने हिस्ट्री को क्लीन करना चाहते हैं या फिर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है, लगती है कि हमारे मैंने अभी जो वेबसाइट्स ओपन किए हैं वो कोई और ना देखे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हिस्ट्री को क्लीन कीजिए। बहुत बार आपका कंप्यूटर स्लो भी हो जाता है तो हिस्ट्री क्लीन करने से क्या होता है कि सारे टेम्प्ररी फाइल्स हट जाते हैं, तो
आपका ब्राउजर क्लीन हो जाता है तो आपका ब्राउजर फास्ट वर्क करता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच, पहले कंट्रोल बटन दबाइए उसके बाद एच बटन दबाइए तो आपका ऑटोमेटिक हिस्ट्री खुल जाएगा और फिर आप इसको पूरे क्लीन कर सकते हैं। देखिए यहाँ जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ डिलीट ऑप्शन आ रहा है, तो ये मैं या तो डिलीट कर सकता हूँ या फिर यहाँ से सीधे क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कौन कौन सा सारा डेटा करना है, पासवर्ड जो ऑटोफिल होता है वो भी करना है सारे, तो आप सब जिस पे क्लिक करेंगे वो, और उसके बाद क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करेंगे आपका सारा हिस्ट्री हट जाएगा। तो ये था हमारा छठा टिप्स। सातवें टिप्स पे अब आते हैं। अब मान लिया जाए कि मैं ये वेबसाइट देख रहा हूँ और मुझे गूगल में सर्च करना है कुछ भी एक्स वाई जेड। तो मान लीजिए मैं कैट का पिक्चर देख रहा हूँ, मुझे सर्च करना है। तो अब इसके लिए नॉर्मल मैं अगर आपसे पूछूं कि आप क्या करोगे तो आप सबसे पहले ये टैब का बटन दबाएंगे, यहाँ पे आप गूगल लिखेंगे और यहाँ पे फिर कैट पिक्चर लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको कैट का पिक्चर आएगा। या फिर कुछ लोग ऐसा भी करेंगे कि इसको डायरेक्ट खोलेंगे और यहाँ सीधे एड्रेस बार में कैट पिक्चर लिखेंगे और एंटर दबा देंगे तो भी आ जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं जो वेबसाइट मैंने खोल के रखा है उसी पे उसी के एड्रेस बार पे मैं क्लिक करूँगा और यहीं पे मैं कैट पिक्चर लिखूँगा और साथ में अल्ट लिखने के बाद अल्ट का बटन और दबा दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, मेरा खुल जाएगा। सातवां टिप्स ये था। आठवां टिप्स है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई फाइल पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा लैपटॉप या डेस्कटॉप को से दूर हट के पढ़ते हैं तो उसमें हमारा माउस का दूरी थोड़ा दूर हो जाता है। अब अगर पेज डाउन करना है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, पेज अगर डाउन करना है तो हम लोग सिंपली स्पेस बार बटन को दबाएंगे, पेज डाउन होगा, और अप करने के लिए शिफ्ट दबा के और स्पेस बार का बटन दबाएंगे तो अप होगा। एक बार फिर से सुनिए, अगर फाइल को डाउन करना है तो सिंपल हम सिर्फ स्पेस बार के बटन को दबाएंगे तो डाउन होता चला जाएगा, और अगर मुझे अप करना है तो शिफ्ट दबा के और तब स्पेस बार का बटन दबाएंगे तो अप होगा। एक एक बार दबाएंगे सिंगल सिंगल टाइम तो वो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक जाएगा। ये था हमारा आठवां टिप्स। नौवां टिप्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नौवां टिप्स है हमारा कि मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएशन। मान लिया जाए कि जैसे मैं एक यूज़र हूँ जो मैंने कुछ अपना बुक मार्क्स और ये सब दे के रखे हैं जिसे जिस वेबसाइट्स की ज़रूरत मुझे पर डे पड़ती है, और यही लैपटॉप या डेस्कटॉप मेरे फादर भी यूज़ करते हैं या मेरा छोटा भाई या बड़ा भाई भी यूज़ करता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट करके रखूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब वो अपना जब प्रोफाइल वो जब यूज़ करेंगे तो वो अपना प्रोफाइल खोल के यूज़ करेंगे तो उससे मेरे बुकमार्क्स को या मेरे किसी चीज़ के डिलीट होने का खतरा मुझे नहीं रहेगा या उनको मुझसे नहीं रहेगा। इसका तरीका ये है कि ये थ्री बटन पे जाएं, थ्री डॉट्स पे जाएं, सेटिंग्स दबाएं और यहाँ प्रोफाइल देखिए है तो यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक कीजिए इसको डिलीट करके और आप यहाँ नया प्रोफाइल बना दीजिए, यहाँ नाम दे दीजिए कुछ भी रमेश दिनेश कुछ भी देके और कोई भी इसमें पिक्चर चूज कर लीजिए और बस बैक आ जाइए तो आपका प्रोफाइल बन जाएगा। वो सिंपल आपका होगा, उसमें ये जो बुक मार्क्स और ये सब है वो दिखाई आपको नहीं देगा। तो उससे
दूसरों से आपके डेटा की सुरक्षा हो जाती है या फिर आपसे उनके डेटा को सुरक्षा हो जाती है। अब हम लोग 9वां टिप्स जान रहे थे, अभी अब हम लोग 10वां टिप्स जानेंगे और ये टिप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब भी हम लोग का इंटरनेट बंद हो जाता है, जैसे सबसे पहले मैं अपना इंटरनेट बंद कर देता हूँ, तो जब हम लोग अपना नया टैब ओपन करते हैं तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि एक टीरेक्स का पिक्चर आ जाता है। तो हम लोग बहुत उस समय मायूस होते हैं कि वो इंटरनेट डाउन हो गया हमारा, लेकिन अब आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे भी आप मज़ा ले सकते हैं। वो ऐसे कि सिर्फ आप अपने एरो बटन, चार एरो बटन में लेफ्ट राइट अप डाउन, ये चार बटन होता है एरो बटन, इसमें आप सिर्फ अप बटन को यूज़ करेंगे और ये टीरेक्स जो है ये एक हडल गेम्स में बदल जाएगा और आप इसमें गेम खेल सकते हैं। देखिए कैसे, सिर्फ अपर अप बटन, अप एरो बटन का यूज़ करना है। देखिए जैसे ही मैंने दबाया ये शुरू हो गया हडल गेम्स, हडल आते जाएंगे, आपको हडल पार करना है। और इसका मज़ेदार बात यह है कि इसका जो पॉइंट है वो भी आपका पॉइंट जुड़ता जाता है, इसमें आप नया रिकॉर्ड बना सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप जरूर बताएं कि हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो आज का हमारा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को जरूर आप लाइक करें और रिको भाई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको हमारा जो भी नया वीडियो जो ही हम लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो सबसे पहले आपको ये इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारा वीडियो देख सकते हैं और फिर कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।